लक्ष्मण जी वहाँ आए चले गए, दुर्वासा भी चले गए। अब राम जी के सामने समस्या बाहर निकलते हैं तो भाई को मारना, गोदबद्ध का पाप नहीं करना चाहिए और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी इसका कोई तो निराकरण हो, इसमें मर्यादा सुरक्षित रहे और गोदबद्ध का पाप होने से बच जाए। तो गुरु जी हनुमान जी सही सबने निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, हमें पदंड के ही बराबर। राम जी ने वही किया, जब बाहर पधारे प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट अयोध्या में, शेषावतारी थी अपने मूल स्वरूप में पधार गए। तो लक्ष्मण घाट के नाम से अयोध्या में राम पैड़ी के पश्चिम स्थान है लक्ष्मण घाट। बाद राम जी ने भरत जी से कहा कि सीता भी गई और लक्ष्मण भी गए, हम भी प्रस्थान करेंगे। भरत जी ने कहा आपके बिना तो हम रह सकते नहीं, और उन्होंने शत्रुघ्न जी को बताया। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे, वो मथुरा का राज बांट के अयोध्या चले। यहाँ जो भगवान के छह बेटे और थे लक्ष्मण भरत के राम जी के, अयोध्या का राज किसी को नहीं दिया, इनको सबको दूर दराज का राज दिया गया और सबको राज बांट के विदा कर दिया, किसी अपने अपने राज से। भगवान जब जाने को प्रस्तुत थे उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा जीव जंतु पशु पक्षी सभी, यहाँ तक कि आदि सातमाएँ और अस्थावर जंगम, उसमें कोई शेष नहीं रहा, पेड़ पौधे भी तैयार थे। भगवान का जो स्वरूप वर्णन किया, भगवान ने भौतिक सुखों का त्याग किया। राजा थे, उन्होंने सफेद रेशमी वस्त्र धारण किया, धनुष छोड़ा और मानव रूप ले लिया। रेशमी वस्त्र भी पतला कहा गया है। भगवान नंगे पैर हुए और कुछ हाथ में, उनके साथ अयोध्या का समस्त जनमानव जीव जन सब तैयार थे। भगवान के साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, सात संहार कारण शक्ति। भगवान प्रस्थान किए अयोध्या से पैदल मंत्र उच्चारण करते हुए, उसमें तो लिखा वो कुछ देख नहीं, चुपचाप चले जा रहे हैं। भगवान अयोध्या से पश्चिम दो कोस दूरी चार मील पर भगवान ठहरे। जब सारा परिकर अयोध्या का आ गया, जब देवता प्रकट हुए तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब हमारे साथ जाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देवता अपने अंश में जाएंगे और आपकी प्रजा साकेत धाम में सांतन नाम के लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सबको नदी में डुबकी लगवाया, जल स्पर्श कराया जिस योगी था, और सबको दिव्य स्वरूप प्रदान किया और सबको सशरीर विमान से जोड़ा। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ विमान का वर्णन किया था। सबके जाने के बाद भगवान ने भरत जी को अपने में समाहित किया। फिर ब्रह्मा जी से बोले जो शेष रह गए और आना चाहते हैं तो उनको आप भेजिएगा। एक मास का समय रखा, कार्तिक मास शरद पूर्णिमा के दिन फिर भगवान अंतर ध्यान किए। भगवान भी सरयू नदी में प्रवेश किए, डुबकी लगाए, जब बाहर आए चतुर्भुज और भगवान भी विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप प्रताप, अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर राजा अयोध्या का है, लगभग भारतीय पुरातत्व के अनुसार 550 वर्ष पुराना है। भगवान का स्वरूप जो यहाँ है, यहाँ धनुष धारण नहीं किए हैं, भगवान खाली हाथ है, पर ऐसा स्वरूप तो शायद कहीं है नहीं। और सामने जो सरयू नदी बह रही है, ऐसा भी नहीं कोई आमने सामने मंदिर की कोई नदी या तालाब हो, यहाँ का अजीब दृश्य है। और यहाँ का जो महात्म बताया गया है स्कंद महापुराण में वर्णन है कि इसके समान तीर्थ न हुआ है और न ही होगा, जहाँ तीर्थराज प्रयाग कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं। कहा गया सुबह सुबह पृथ्वी पर जितने दिव्य तीर्थ हैं वो सब कार्तिक मास में यहाँ निवास करते हैं। अच्छा, यहाँ पर किया गया स्नान दान होम जो भी पूर्ण कर्म है, श्रद्धापूर्वक किए गए नियम व्रत आदि सभी अच्छे हो जाते हैं, कोई नष्ट नहीं। माघ अथवा कार्तिक में पुष्कर अथवा प्रयाग में कल्पवास पूर्वक नित्य स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल यहाँ सरयू जी के दर्शन से प्राप्त होता है। और एक लाइन तो और विचित्र है कि 7,000 वर्षों तक भागीरथी गंगा में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह अयोध्या में निमसाद आधा क्षण में प्राप्त होता है। स्कंद महापुराण में है लिखा हुआ है, इसको आप दिखा दीजिए, लोग पढ़ेंगे।
वहाँ नहीं जाते, पहले इधर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनके ज्यादा मानते हैं ना। हाँ इधर आते हैं। सरयू नदी।